में. सो इस बार जो प्रोड्यूसर एड ऑन हुआ है वो नया प्रोड्यूसर है, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टीम बहुत प्रोफेशनल थी, और मुझे लगता है हम लोगों ने सिर्फ 6 आवर्स में पूरा सॉन्ग कंप्लीट किया है. सो मुझे अच्छा लगा इन सब के साथ काम करके. जी म्यूज़िक के आने से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप एक सॉन्ग बनाते थे, फिर आपको म्यूज़िक कंपनीज़ के आगे पीछे घूमना पड़ता था. बट जब से जी म्यूज़िक कंपनी आ गई, टी सीरीज़, वीनस, इन सब कंपनीज़ की वजह से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है. बट एट द सेम टाइम पर आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए. सो मुझसे ज़्यादा ये आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग को मेरा गाना कैसा लगा है. लेकिन लोग आपको ज़्यादा सेंसुअल अवतार में देखना चाहते हैं, इसमें इतना सेंसुअल अवतार नहीं है, बहुत लिमिटेशंस में है, क्या करना चाहेंगे? मैंने सोचा है बहुत कर लिया, बहुत बहुत सेंसुअल कर लिया, बहुत सेंसुअस कर लिया, बहुत एक्सपोज कर लिया. अब मुझे कुछ स्टोरी बेस्ड काम करना चाहिए, इसलिए इस गाने मैंने कोई एक्सपोज नहीं किया है. एंड स्पेशली मेरे डायरेक्टर की डिमांड थी कि मैं एक्सपोज नहीं करूँ, सो नहीं करवाया मुझसे. देखिए आज का मुबारक दिन, एक तो वैलेंटाइन डे है, सब आप सबको मुबारक दूँ वैलेंटाइन डे, जिनको जो प्यार मोहब्बत करते हैं उनको वैलेंटाइन डे मुबारक हो. और मन मर्जी क्या मन मेरी है एक रोमांटिक एल्बम है, एक रोमांस को आगे बढ़ाता है और हीरोइन की कहानी को आगे बढ़ाता है. और फिर क्या ट्विस्ट आता है ये इसमें मैंने देखा, बहुत ही अच्छा शूट किया गया. और गहना जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट हीरोइन है, ये लड़की वेस्टर्न में भी बहुत अच्छी लगती है, इंडियन कॉस्ट्यूम में भी अच्छी लगती है, पूरे कपड़ों में भी अच्छी लगती है, और बिना कपड़ों के तो मतलब मॉडर्न अवतार में और अच्छी लगती है. मैं मतलब मैं समझ रही हूं, इस मेरे अंदर इस वक्त दीपक कलाल आ गया है. हाय फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि लड़की बहुत अच्छी है, आगे चल के ये राखी को नो राखी नहीं रहो ना चाचा करो राखी को चाचा करो नहीं हाँ. राखी नहीं, मतलब एक तरफ राखी तो एक तरफ ये हमारी गहना, मतलब जमीन आसमान का फर्क है. राखी आइटम सॉन्ग करती है, ज़बरदस्त बयान देती है, ये लड़की इतनी शांत है, इसकी जो खामोशियाँ हैं, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, ये जो लाइन है इसके लिए बनी है. ये खामोश भी रहती है तो उसका चेहरा बहुत कुछ कहता है, इनकी आंखें बहुत कहती है. और मुझे मैं यही कहना चाहूँगा, इनका जो नाम है गहना, माँ बाप ने सोच समझ के रखा है, लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा शिकायत रहती है, ये लड़की हमेशा हट के कुछ करती है. हर लड़की से, हिंदुस्तान की सारी लड़कियों से हट के क्यों है, इसका राखी से भी मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? अब मैं बता रहा हूँ, ना राखी से मुकाबला हो सकता है, ना माधुरी दीक्षित से, ना ऐश्वर्या राय से, ना आलिया भट्ट से. क्यों? क्योंकि बाकी की लड़कियाँ SRK को पसंद करती है या KRK को पसंद करती है. अच्छा, सबको सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे. आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सच्चा वाला और बहुत अच्छा वाला, पैशनेट वाला प्यार आ जाए. अभी फ़िलहाल तो मैं सिंगल हूँ, मैं खुद भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए. तो राइट तो देखो. ओह शिट, मिस हो गए अब तो. मिस हो गए तो अब तुम राइट हमेशा गलत जगह देखती हो, राइट देखा करो. ठीक है. हाँ, वीक बॉस. लेकिन ये फिल्म जो है वीक बॉस जो है वो अप्रैल में आ रही है, और लेकिन इसका जिक्र मत कीजिए, हम लोग यहाँ पर मन मेरी के लिए है. बार बार ये मत बोलिए कि वीक बॉस कब आ रही है, अप्रैल में आ रही है, कब आ रही है वीक बॉस, जो वीक पहने वाली कहानी है. तो इसका रिपीट हम हर शो में उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, फिलहाल हम मन मेरी के लिए आ गया. ऑन सेट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहली बार कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि गहना कपड़े मत उतारना. क्योंकि हर बार ये होता है कि जब मेरे बारे में बात की जाती है, व्हेन इट कम्स टू गहना वशिष्ठ, तो लोगों के दिमाग में एक फिक्स चीज़ें होती हैं कि यार छोटे कपड़े पहनाने, बिकनी करवानी है, एक दो स्मूथ सीन्स रहेंगे तो गाना हिट हो जाएगा. सो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जहाँ पे मुझसे कोई एक्सपोज नहीं कराया गया, प्रॉपर प्रोफेशनली काम किया गया, और फुल कपड़ों में आप मुझे देख रहे हैं पहली बार, तो मैं खुश हूँ. हाँ, मतलब दुल्हन के गेटअप में भी आप गहना को देख सकते हैं. अगर आपको आप लोगों को सपनों की, अपने अपने सपनों की दुल्हन देखनी है, तो ये ज़रूर देखेगा वीडियो मन मेरी है, इसमें आपके सपनों की दुल्हन गहना आपको दिखेगी, पूरा गहना पहने हुए, पहली बार गहने ने खुद गहना पहना है, ये समझ लीजिए आप, बहुत ही सुंदर लगेगा. इस गाने का तो आपको मिल जाएगा, बट मैं सबसे चाहूँगी, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस गाने को शेयर करें, क्योंकि बिना मीडिया के हम लोग कुछ नहीं कर सकते. और एक किसी भी चीज़ को अगर आगे तक पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है मीडिया. सो प्लीज़ आप लोग मेरा गाना शेयर करिए, इसके लिंक शेयर करिए, इसके वीडियो शेयर करिए,
पर्सनल लेवल पे करिए, मैं नहीं कहूँगी कि प्रोफेशनली करिए, आप दुनिया के लिए मीडिया होंगे, मेरे लिए फैमिली जैसे, क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, चाहे मेरी पहली न्यूज़ से हो टिल नाउ, मैं सिर्फ मीडिया की वजह से हूँ। कई लोग मुझे गूगल किड कहते हैं कि मुझे गूगल ने पैदा किया है, एंड उसका सारा सारा जो श्रेय आप सबको जाता है। आज रिलीज है, हाँ आज मेरा एक और सॉन्ग रिलीज है जो वीनस रिलीज कर रहा है। सॉन्ग का टाइटल है पल पल, जो कि 6 o'clock तक यूट्यूब पे वीनस के चैनल पे आ जाएगा। रतन जैन ने भी अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब जगह शेयर किया है। सो आज वैलेंटाइंस डे पे मेरे दो दो सॉन्ग रिलीज हैं, इसलिए मैं और ज्यादा खुश हूँ। बट मेरे एक ही प्रोड्यूसर ने इवेंट किया, इसलिए एक ही इवेंट हो पाया। ओके, लेकिन इसके अलावा कोई फिल्म है अगर? अभी मैंने एक और फिल्म की है नवीन बत्रा की, अभी रिसेंट एक और फिल्म की है, और मैंने अभी दीपक पांडे की एक वेब सीरीज की है जिसमें मैं और विवान भतेना और अमित बहल हैं, जो कि उल्लू पे बहुत जल्दी आ जाएगी। और हम लोगों ने अभी मंडे को एक और सॉन्ग शूट किया है जो विद इन अ मंथ जी म्यूजिक पे रिलीज हो जाएगा। ऐसा एवरेज लुकिंग हो, ज्यादा गुड लुकिंग लड़के कहीं भी भाग जाते हैं, सो मुझे ज्यादा गुड लुकिंग लड़का नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए ना, एवरेज चाहिए, थैंक गॉड। और बहुत ज्यादा रिच भी नहीं हो, ज्यादा रिच होगा तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं उससे कम उसके पैसे से ज्यादा प्यार करती हूँ। तीसरा, पढ़ा लिखा हो, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके पास दिमाग, एवरेज पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं नहीं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, यहाँ मार खा गया, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, मेरी ना ऐसे चेंज होती रहती है। हाँ, तो विग, विग वाला तो दौड़ेगा मुझे। अच्छा, इसीलिए कहते हैं विग बॉस। थैंक यू गाइस। मैं एक शेयर करूंगा, शेयर करना चाहूंगा गहना की सुंदरता पे, कि बहुत ही सुंदर लड़की गहना है, बहुत ही सुंदर लड़की गहना है, जो इसका एल्बम नहीं देखेगा ये उसकी बहना है। सारी उम्र तुम्हें संग रहना है और एज ए सिस्टर तुम्हें सहना है, इसलिए अगर आपको आप एल्बम देखेंगे तो खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। मीडिया प्लीज शेयर करिएगा।